लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? यंग ब्लड हो, टीवी पे कह रहे हैं देश का भविष्य हो। जो ये संग्राम चलाया ना यहां, तो फिर अधर्म का नाश करना पड़ेगा। मैंने अच्छे बच्चे बन के रहना है, वंदे मातरम कहना है। शाहरुख की जवान का टीजर देखकर क्या था सलमान का रिएक्शन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने जवान का टीजर शेयर किया है और इसे देखकर फैंस बहुत ज्यादा खुश है। मोस्ट अवेटेड फिल्म है जवान और हर कोई शाहरुख खान को एक एक्शन अवतार में देखना चाहता था, जो कि शाहरुख ने अपने फैंस की मन्नत पूरी की। आपको बता दें, कई टाइम से शाहरुख खान की फिल्में रिलीज तो हुई लेकिन वो फ्लॉप हो गई। इसके बाद शाहरुख के फैंस लगातार उनसे कह रहे थे कि आप डॉन जैसी फिल्में करें। इसीलिए शाहरुख खान ने डिसाइड किया और अगले साल दो दो एक्शन फिल्मों के साथ आ रहे हैं शाहरुख। वहीं दोस्तों, उनकी जवान का टीजर भी रिलीज हो चुका है, जो कि फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है शाहरुख खान का लुक, एक बहुत ही अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं। उनका चेहरा पूरा पट्टियों से भरा हुआ है, खून से लथपथ है और ऐसी सस्पिशियस जगह पर मौजूद है जहां उन्हें देखकर फैंस लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर फिल्म में होने क्या वाला है। वहीं दोस्तों, अब सलमान खान ने भी अपना रिएक्शन दे दिया और जवान के टीजर में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से लिखा, मेरा जवान भाई रेडी है। दोस्तों, आपको बता दें, एक टाइम था जब शाहरुख और सलमान के बीच दुश्मनी हो गई थी, लेकिन अब ये दोनों एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। शाहरुख और सलमान की दोस्ती अब इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि ये दोनों जब एक दूसरे को बोल दें कि कैमियो कर दे भाई मेरी फिल्म में, ये दोनों तैयार हो जाते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पठान में सलमान खान का कैमियो है और टाइगर 3 में शाहरुख कैमियो करते हुए नजर आएंगे। तो दोनों की दोस्ती बरकरार है और अब दोनों एक दूसरे की फिल्मों में जबरदस्त धमाका भी करने को तैयार है। वहीं दोस्तों, जवान की बात करें तो एटली ने इसे डायरेक्ट किया है और काफ़ी टाइम से एटली शाहरुख के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे। स्क्रिप्ट एकदम तैयार थी, लेकिन जब शाहरुख खान के पास वो पहुंचे तो शाहरुख खान ने इसमें बदलाव के लिए बोल दिया। एटली ने हार नहीं मानी, लगातार उनके पीछे पड़े रहे और ये तक कहा गया कि एटली ने शाहरुख के मन्नत के सामने ही एक होटल में अपना ऑफिस बना दिया है और वहीं से काम करते रहे, क्योंकि उन्हें चेन्नई और मुंबई से अप डाउन करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुंबई में रहेंगे और इस प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे और अब उनकी मेहनत रंग लाई है। टीजर बहुत पसंद किया जा रहा है। 2 जून 2023 को ये फिल्म रिलीज भी कर दी जाएगी। आपको कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारी चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।